जनसत्ता पार्टी के स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ से एमएलसी अच्छे प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और आज वो एटा आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि वो किस उद्देश्य से और क्या तैयारियां करने यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने साथ साथ 8-8 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आदरणीय राजा भैया ने निर्दल 25 साल पूरा किया। पहली बार देश में कोई निर्दल 25 साल विधायक रहा। उनके चाहने वालों ने एक सम्मान समारोह मना रहे हैं, उनकी एक कमेटी बनी हुई है, उसके आयोजक शैलेंद्र कुमार जी हैं, विनोद जी अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग उसमें कमेटी में हैं। सारे लोग मिलकर उनका सम्मान समारोह मना रहे हैं। उसी दिन पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पे अपने चाहने वालों को, राजा भैया के चाहने वालों से अपील करने आए हैं कि भारी संख्या में वहाँ पहुँचें। तारीख क्या होगी? 30 तारीख 30 नवम्बर रमाबाई स्टेडियम। अभी आप मायावती जी पर बात कर रहे थे, क्या? देखिए, जब राजनीतिक, आप जानते हैं कि जब हम, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो हम आपको बताना चाहते हैं। जिस समय, पहले तो जब पोटा हम लोगों पे लगा, माननीय नेताजी ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, उस समय भी हमारे समाज का, हमारे तमाम लोगों का बहुत दबाव था। लेकिन उस समय हम लोगों ने दल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारा ब्लड नहीं कहता, जो हमारा मदद करे उसके खिलाफ़ हम झंडा गाड़ें। ऐसी अब आज की स्थिति में जब मायावती से समझौता हो गया, मायावती जी ने कहा कि ये हम पोटा, वो गेस्ट हाउस कार्ड नहीं भूल सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम गैंगस्टर जो हमारे ऊपर पोटा लगा उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में, और बाकी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, दलों की स्थिति है जो कि समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं लेकिन समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने लोगों से राय लिया, पूरे चाहने वालों के 15 लाख लोगों ने राय दिया, जिसमें 80% लोगों ने राय दिया कि राजा भैया को अपना दल बना के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में हम लोगों ने दल अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन लगभग होने वाला है, हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। अच्छा, अभी शिवपाल जी के साथ जो है वो कह रहे थे हमारे साथ आने वाले? नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों की पैदाइश है, हम लोग राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं पार्टी की, और राजनीतिक पार्टी की शुरुआत ऐसे नहीं कर रहे हैं। हमारा 25 साल का निर्दल सब समाज को लेकर चलने का एक अनुभव है। राजा भैया ने 25 साल खुद भी MLA रहे, बगल की सीट से भी MLA जिताया, हमको अमेठी से ला के प्रतापगढ़ में MLC बनाया, हम भी 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में 25 साल के अनुभव के बाद उन्होंने दल का स्थापना की है। ये जैसे अभी राम मंदिर का मामला है, उसमें जो है सब लोग, देखिए हमने पहले भी कहा कि कोर्ट न्यायालय में जो मामला पेंडिंग है वो न्यायालय का अपमान होता है इस तरह से करने से, और न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसको मानना चाहिए सबको। जैसे कि अक्षय प्रताप जी ने जो है सारी बातों का जवाब दिया है और आने वाले समय में उनकी पार्टी किस हिसाब से काम करती है ये तो वक्त बताएगा। वीरेंद्र पांडे, ETV भारत।